जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। आय 10 विभूति योग श्लोक 14। सर्वं ये तत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहिते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवा न दानवाः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित में सभी लोग ने विभूति योग सिखा रहे। उस प्रक्रिया में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से इस प्रकार प्रार्थना कर रहा, हे कृष्ण, सृष्टि को कार्य समस्त सृष्टि की रक्षा का कार्य, समस्त सृष्टि न संतुलन रखने को कार्य और समस्त सृष्टि न विघटित करने को कार्य, यह सब केवल थारी इच्छा से ही हो रहे हो, क्योंकि यह सब थारे ही नियंत्रण में है। इस थारी विभूति कहो जाओ है और थे ही हो जिमा अनंत विशेष और अद्भुत गुण है, इस योग कहो जावा। हे कृष्ण, मन थारी विभूति और थारा योग पर पूरो विश्वास है। हे कृष्ण, थे मन जो कुछ भी बतायो मैं उन्हें सच मानूँ। हे कृष्ण, न तो देवता और न ही राक्षस कभी भी थारी वास्तविक व्यक्तित्व न समझ सका है और कभी भी महिमा न थारी जान सका है, लेकिन हे कृष्ण, थे मन ऐसी महिमा प्रदान कर रहे हो। अर्जुन अपनी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास व्यक्त कर रहे हो। आओ, मैं अर्जुन के स्थान पर हवा, आओ मैं भी महान विश्वास न प्रकट करा और श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा के लिए आवश्यक पात्रता प्राप्त करने को प्रयास करा और आओ मैं अर्जुन का शब्द न श्लोक का रूप में ज्यों का त्यों धरावा। सर्वमे तत्रतम मन्ये यन्मां वदसि केशव नहिते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मन वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन कर, मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिषे वचनम त्व, जी को अर्थ कृष्ण मैं बहिया ही करूँगा जया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन ने सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करा। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपना दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अपना वचन देता हुआ, आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन्नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहले वचन, हे श्रीमन्नारायण, जया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारा में सोचूँगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जया थे अनुसरण करना बोला था मन पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मन थारा सब माम एकम शरणम ब्रज, याद आवा
जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। अरे छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैंने थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे, माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातो वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनना को वादो करूं। मारो आठो वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने आठ वचन दिया हाँ, मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। सर्वं ये तत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा नहिते भगवन् व्यक्तिं विदुः देवा न दानवाः। ॐ सर्वमेतत्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहिते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ा सा तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज एक मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ, जो कि www.narayanstrot.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहा जावा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत को पाठ पढ़े या सुने, तो संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी होगा। यह इतनो उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन आइया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।